होती है। तो मैं पहले भी बहुत पढ़ती थी और हर एक चीज़ का एक मतलब है, जैसे उतना कान जो हुआ था और उसके बाद में जो रिवर साइड में होता है, इस तरीके से बहुत सारे जी, किस तरह से कृष्णा 16,000 रानियों से शादी करते हैं एक ही बार में, ये सारी लीलाएं बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में बहुत मज़ा आता है। स्पेशली जो बचपन का पार्ट है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं खुद जब छोटी थी तो श्री कृष्णा जो शो आता था वो देखती थी, एंड आई होप कि अब जो छोटे बच्चे हैं वो ये शो देखेंगे और इससे बहुत कुछ सीखेंगे। एक पॉजिटिव शो आ रहा है जिससे फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, साथ में बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिल जाएगा। सबसे पहला प्यार था ना कृष्णा का, वो यशोदा जी थी, उन्होंने देखते ही कृष्णा से प्यार कर लिया था। और कृष्णा उनके लिए, मतलब जब राधा उनकी लाइफ में आई कृष्णा के, तो कहीं ना कहीं शी वॉज जेलस एंड शी वॉज नॉट फाउंड ऑफ राधा। तो उसे हॉर्स राइडिंग करनी थी, तो वो हर टेक के बाद कह रहा था कि नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है, नहीं मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। तो बच्चे हैं, थोड़ा सा उनका मानना पड़ता है, थोड़ा सा अपना मनवाना पड़ता है और इस तरीके से काम होता है। खैर मेरा रिलेशन जयवल के साथ बहुत प्यारा है, वो सारे सेट पे सबके सामने मुझे मैया कहता है और मुझे बहुत क्यूट लगता है। हाँ, हमारे सारे दर्शकों को होली की शुभकामनाएं, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली बोलो, बोलो हैप्पी होली। हैप्पी होली।